वैसे तो नगर पालिका परिषद का वर्तमान में जो 2.5 वर्षों का कार्यकाल रहा, नगर पालिका अधिनियम से कोई लेना देना ना तो सत्ता पक्ष के लोगों को रहा ना वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी, और जो जिम्मेदार अधिकारी अधिनियम से काम करता है उसे नागदा नगर से चलता कर दिया जाता है, यही अभी तक की कार्यशैली रही। लेकिन सबसे बड़ा एक मामला आया है संपत्ति कर को लेकर। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 127 ए में ये प्रावधान है, और ये प्रावधान 1997 से लागू है। उस प्रावधान अनुसार जिन नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है और उनके भवनों और भू स्वामियों का वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रुपये बनता, उन्हें संपत्ति कर में छूट है। लेकिन नगर पालिका परिषद नागदा आज दिनांक तक नागदा नगर के समस्त रहवासियों से, जो लोग मात्र 4800 रुपये के वार्षिक भाड़ा मूल्य जिनका बनता, उनको ही छूट प्रदान की जा रही है। जबकि 2011 की जनगणना में नगर पालिका नागदा नगर की जनसंख्या 1,39,000 हो चुकी थी। इस मान से 2011 के बाद से लेकर अभी तक आज दिनांक तक वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रुपये जिन भवन और भूस्वामियों का बनता है, उन्हें संपत्ति कर के रूप में मात्र 150 रुपये नगर पालिका को दिए जाने थे। लेकिन नगर पालिका नागदा के अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस नियम को दरकिनार करते हुए, इसकी अनदेखी करते हुए नगर की जनता से, नागरिकों से ज़्यादा संपत्ति कर वसूला जा रहा है। इसका फायदा बिचौलियों दलालों द्वारा भी जमकर उठाया जा रहा है नागदा नगर की नगर पालिका गलियारों में। जो नागरिक संपत्ति कर का मामला लेकर नगर पालिका में जाता है, उन्हें पहले तो अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा भारी भरकम राशि बताई जाती उनके संपत्ति कर के मामले को निपटाने की। फिर पीछे से बिचौलिया या दलाल या राजनीति जो भी वहाँ के रहते हैं, वो उस नागरिक से संबंधित नागरिक से संपर्क करता है, उसे बताता है कि मैं तुम्हारा संपत्ति कर का या ये जो मामला है इसको इतने में तोड़ कर दूंगा। ऐसे बड़े बड़े मामले भी देखने में आए हैं जिनको 70,000 बता दी गई राशि, जिनको 50,000 बता दी गई, जिनको 1,00,000 रुपये बता दी गई है, और उनने बाद में 20,000 10,000 15,000 की राशि भर के अपना मामले को निपटारा कर दिया। जब ये इतना बड़ा डिफरेंस की बातें जब सामने आने लगी तो हमने इस ओर देखा, और ये पूरा मामला सामने आया कि जब प्रावधान में अधिनियम में ये बात नागरिकों के लिए दे रखी है कि आप 6,000 वार्षिक भाड़ा मूल्य में मात्र 150 रुपये संपत्ति कर वसूल सकते, और 150 रुपये के पश्चात जो अभी सफाई कर के रूप में 365 रुपये उन लोगों से भी वसूला जा रहा है, जबकि जो 150 रुपये जो लोग भर रहे हैं उनको सफाई करके 365 रुपये नहीं देने, वो उसके छूट के भी अधिकारी है। लेकिन जो लोगों का 6,000 वार्षिक भाड़ा मूल्य है उन लोगों को एक तो 150 रुपये ही भरना है, और सफाई करके जो 365 रुपये उन लोगों पे लागू नहीं होते लेकिन उनसे लिए जा रहे हैं। इस तरह नागरिकों के साथ खुली लूट की जा रही। यूं तो नगर पालिका परिषद में कहने को राजेश धाकड़ जी जो भाजपा मंडल अध्यक्ष है, सज्जन शेखावत जी है, और राम सिंह जी शेखावत जी जो सांसद प्रतिनिधि है, ये सब अनुभवी पार्षद है और दो दो तीन तीन बार के कार्यकाल रह चुका है। नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन होता है या नगर पालिका कानून के बाहर जाके कोई काम करती है तो उसको बचाने के लिए और उसको कवर करने के लिए अध्यक्ष की जो भी कार्यप्रणाली है या नगर पालिका का जो भ्रष्टाचार है उसके लिए मुखर हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात कि जनता के साथ जो लूट हो रही है उसके लिए कोई इनका ध्यान आज तक नहीं गया, और गया भी है। मैंने ऐसे प्रकरण भी देखे हैं कि अधिकारी कुछ जो अधिकारी थे उन लोगों ने बताया भी है कि ये छूट
आपके दायरे में आ रहे हैं तो आप लोग ऐसा क्यों वसूल रहे हो जनता से? तो उन्होंने एक बात बोली कि तुम्हारे जेब से क्या जा रहा है? इस तरह की बातें नगर पालिका के गलियारों में हो रही है और नागदा नगर के नागरिकों के साथ भी खुली लूट हो रही है। थावरचंद जी गहलोत साहब जो आदरणीय केंद्रीय मंत्री है, नागदा नगर में नगर पालिकाओं की जितनी भी योजनाएं रहती है, जितनी भी कार्यक्रम रहते हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मेरा इस आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इस पूरे मुद्दे पे जब 2011 से नागरिकों के साथ खुली लूट हो रही है, थावरचंद जी स्पष्टीकरण दे कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद जिनका वो गुणगान करते हैं कार्यक्रमों में कि भ्रष्टाचार नहीं होता, हम विकास को लेकर चलते हैं, उन नागरिकों के साथ जो खुली लूट वो लोग कर रहे हैं, इनके अधीनस्थ जो इनके जनप्रतिनिधि है वो लोग लूट कर रहे हैं, तो उनका इस पे क्या मत है वो स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, इस पूरे मामले को लेकर हमने शिकायत आयुक्त महोदय को करी है, उन्होंने हमको जांच का आश्वासन दिया है। अगर नगर पालिका के इस लूट का और जल्दी निराकरण नहीं करते तो हम इस पूरे मामले को माननीय उच्च न्यायालय में ले जाएंगे, पहला। दूसरा, जो लोगों के साथ अधिक कर वसूल लिया गया उनकी राशि लौटाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, ये पूरे मामले का सार। नहीं, आप ये बताइए कि किस प्रकार से लूट हो रही है, मतलब क्या क्या मापदंड होना चाहिए संपत्ति कर का और क्या हो रहा है? संपत्ति कर का एक मापदंड हर साल निर्धारित किया जाता है, ये मैंने आखिरी वाला पन्ना आपको दिया है। इसमें तीन जोन में बांट रखा पूरे नागदा नगर को, तो इसमें विशेषकर पहले जोन में महात्मा गांधी मार्ग, जन्मेजय मार्ग और उद्योग की सारी बस्तियां, ये एक बार इस छूट के दायरे में नहीं आती। लेकिन दूसरे जोन में जो कॉलोनियां हैं, ओझा कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी, पाल्या रोड और ये जितनी भी इसमें दे रखी है, इन कॉलोनियों में जिन लोगों के मकान 500 स्क्वायर फीट के मकान, इन लोगों का वार्षिक भाड़ा मूल्य 12 रुपए स्क्वायर फीट निर्धारित किया गया है, ये पीछे के पन्ने पर। इस मान से 500 स्क्वायर फीट का 12 रुपए के हिसाब से 6000 वार्षिक भाड़ा मूल्य बन रहा है सालाना, ये लोग छूट के अधिकारी है। लेकिन वर्तमान में 4800 रुपए की गणना के हिसाब से नगर पालिका वसूल रही, तो इनको भी छूट में के भार करके इनसे भी संपत्ति कर वसूला जा रहा, जबकि इनको मात्र 150 रुपए ही भरने, जो 500 स्क्वायर फीट जिनका मकान है इस कॉलोनियों में, जिनको 500 स्क्वायर फीट मकान, उनको मात्र 150 रुपए सालाना संपत्ति कर के रूप में भरना, और जो सफाई करके 365 अतिरिक्त जो कर इन्होंने अभी लादा है वो भी इनको नहीं भरना, उसमें भी छूट है। इस तरह खुली लूट की जा रही है नगर। आपने बड़ी बात बताई कि कुछ लोगों को 60,000-70,000 का अमाउंट बताया गया, बाद में 5,000-10,000 में उनका एड्रेस जी, क्या ऐसे लोगों के नाम की सूची आप उजागर कर सकते हैं? ये आने वाले समय में, क्योंकि हमने अभी ये 500 स्क्वायर फीट वाले जितने मकान हैं और जिन लोगों से ज्यादा वसूला है, इन लोगों का हम एक पूरा डाटा तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी जो संपत्ति कर के मामले निपटे हैं, नल जिनको ये नल कनेक्शन दिए हैं, नल कनेक्शन में बहुत सारे संपत्ति करों का मामलों का निपटारा किया गया है नगर पालिका में, उनमें अधिकांश मामले ऐसे हैं जिसमें इस तरह का काम नगर पालिका के बिचौलियों दलालों द्वारा किया गया है। आने वाले समय में ये पूरे एक सूचीबद्ध हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। इसमें दिया वो क्या करते हैं ये देख लें, और नहीं तो फिर इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाएंगे। 2011 बता रहे हैं आप, 2011 से लेकर 2017 अंदर किसके इस तरफ ध्यान आकर्षित किया? ये बड़ी बात है, नहीं हुआ ये तो सभी जनप्रतिनिधि थे जो है ना, जो नगर पालिका जो नगर पालिका से जुड़े हुए हैं वो लोग उसमें दोषी है, पिछली परिषद भी दोषी है। 2011 से ये मामला है, 2011 से नागदा नगर की जनसंख्या 1,39,000 हुई तो हम 6,000 के दायरे में आ गए, तो 2011 से लोगों को वो राहत मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, वो नहीं दे पाए। अतीत आपत्ति में इस तरह का कोई मामला आया है क्या?
नहीं ऑडिट आपत्ति में नहीं, ऑडिट आपत्ति में तो तो वो संपत्ति कर के मामले में ऑडिट आपत्तियों को, ऑडिट वर्ग को भी अभी तक शायद ये वाला आंकड़ा ही बता रखा होगा कि नागदा नगर की जनसंख्या 1,00,000 से कम। ये जो संपरीक्षा विभाग में भी जाएगा ये पूरा मामला।